तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और अभी कुछ देर में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को। देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम, और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए झंडी दिखाते हुए, वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई बेंगलुरु मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल था, ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है, और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन,